भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने पूर्व की भांति अलवर को जिला बनाने व शहर के एमआई औद्योगिक क्षेत्र को उन्नत करने पर जोर दिया। आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि खैरथल तिजारा कोटपुतली बहरोड को पुनः अलवर जिले में शामिल किया जाए। अलवर का औद्योगिक क्षेत्र एमआईए बेहाल पड़ा है, छोटी बड़ी 400 कंपनियां बंद होने के कगार पर है। जिले से केंद्र व राज्य सरकार में 2 मंत्री हैं, लेकिन किसी का इस ओर कोई ध्यान ही नहीं है। ज्ञानदेव आहूजा ने वायनाड में लैंडस्लाइड को लेकर कहा कि जिस धरती पर गौवंश का मांस दिखेगा या गौवंश का खून बहेगा, उसे धरती या प्रदेश का कभी भला होने वाला नहीं है। वायनाड में 300 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई, 500 से ज्यादा लोग घायल हैं। बचाव कार्य अभी भी जारी है। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार, आपका सम्मान स्वागत। आज का मुख्य विषय है वायनाड। वायनाड जिला जो केरल में है, जहां से श्रीमान राहुल गांधी अभिनेता प्रतिपक्ष चुनाव लड़ते रहे हैं। केरल में 2018 से लगातार लैंडस्लाइड, लगातार जलजला, लगातार बाढ़ और भूकंप जैसी स्थिति बनी हुई है। क्यों बनी हुई है कि मैं आपको राजनीतिक नहीं, सामाजिक नहीं, तो सही मायने में प्राकृतिक विवाद में भी मैं कहता रहा हूँ, जहाँ गोवंश की हत्या होगी, गाय का खून असमय गिरेगा, भारत का गोवंश, वहाँ जलजले आएंगे, भूकंप आएंगे, तूफान आएंगे, भूकंप आएंगे। तो केरल की दुर्गति 2018 से चल रही है, कभी मलप्पुरम जिला, कभी वायनाड, कभी त्रिवेंद्रम और बाकी जिलों में। तो वायनाड में अभी लैंडस्लाइड और बादल फटे हिमाचल में भी हैं, उत्तराखंड में भी हैं, यूपी में भी हैं, लेकिन अब तक 23 कुल मृत्यु हुई है हिमाचल प्रदेश में, 17 कुल मृत्यु हुई है उत्तराखंड में। संक्षेप में मैं कहूँ तो अब आज के पेपर के हिसाब से, टीवी के हिसाब से 393 डेड बॉडीज मिल चुकी हैं वायनाड जिले में, और लगभग 500 लोग अभी लापता हैं, माने उनकी लाशें नहीं मिल रही हैं। तो केरल सरकार से, आपके मीडिया के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अगर वह गोकशी और गोतर्ष के लिए रोक देंगे, वो हत्या रोक देंगे, गाय के मांस नहीं खाएंगे। मुझे जैसी जानकारी है, गलत हो सकती है, कि श्रीमान राहुल गांधी के सामने ही सरेआम गोहत्या की गई और गाय का मांस खा गया क्या। और 4 साल पहले आपको ध्यान होगा, मलप्पुरम जिले में एक हथनी जो गर्भवती थी, नारियल में उसको बम खिला दिया, उसका मुंह फट गया, वो पानी की नदी में गई, लेकिन वो बच नहीं पाई, बच्चा भी तड़प तड़प के मर गया, हथनी भी। ऐसा पाप जिस प्रदेश में होता हो, वहाँ लैंडस्लाइड होना और वहाँ पर बादल फटना, फिर पहाड़ों का फटना बहुत आवश्यक हो जाता है। कृपा करके केरल सरकार इसकी ओर ध्यान दे, ये मेरा निवेदन है। मैं एक आपको फोटो दिखा रहा हूँ कि 13 बार और हिमाचल प्रदेश में 36 घंटे में 9 बार बादल फटा, 13 बार लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन कोई मृत्यु नहीं हुई और यह शिव मंदिर है जो बच गया। इसी प्रकार से 2013 में केदारनाथ जी पर बहुत बड़ा जलजला आया, जनहानि नहीं हुई, और भगवान शिव का जो शिवालय और शिवलिंग एक चट्टान गाने पर बच गया। तो लैंडस्लाइड वहाँ भी होती है, बादल वहाँ भी फटते हैं, लेकिन वहाँ इतनी बड़ी जनहानि नहीं होती। केरल में क्यों हुई, उसका कारण मैंने आपको बता दिया, एक विषय। दूसरा विषय ये है, अलवर जिला को पुनः राजस्थान सरकार खैरथल तिजारा कोटपुतली बहरोड जिले को ख़त्म कर पुनः अलवर जिला एक बनाया जाए। क्यों कि अलवर जिले को भवर साहब केंद्र में मंत्री होते हुए भी, सांसद होते हुए भी ध्यान नहीं दे पाए, कांग्रेस की सरकार लगातार रही, परंतु हमारे 2-2 मंत्री हैं, उनको भी मैं निवेदन करूँगा, श्रीमान संजय शर्मा, श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी, दोनों वन और जल पर्यावरण मंत्री हैं, उनको भी निवेदन करूँगा कि अलवर जिले को एक करवाएं, क्योंकि अलवर जिले का सारा उद्योग एमआईए था, वो बर्बाद हो रहा है, उसकी तरफ भी ध्यान दें। सारा उद्योग कुशखेड़ा, भिवाड़ी, ओल्ड भिवाड़ी, न्यू भिवाड़ी, अतरड़ी, अटैली, टपुगड़ा, शाहजहाँपुर और निर्माण चला गया है। हमारे यहाँ सिर्फ पर्यटन, वो भी साल में 6-7 महीने ही चल पाता है, पूरे पर्यटक आ नहीं पाते। अलवर वर्तमान जो नाम है,
पूर्व जो नाम है वो जिला बर्बाद हो रहा है, इसलिए पूरे औद्योगिक क्षेत्रों को मिलाकर उन्हें अलवर जिले को एक किया जाए, यह मेरी मांग ही नहीं है, तो उसके लिए मैं वर्ष जनप्रतिनिधि था हूँ। अगर मुझे सभी पार्टियों के नेताओं को जनप्रतिनिधियों को इकट्ठा करना पड़ा करूँगा, और अगर राजस्थान सरकार पर दबाव धरना प्रदर्शन की घेराव की अब जरूरत नहीं है, सरकार बीजेपी की है हमारी है, मैं दबाव दूंगा कि अलवर जिले को पुनः एक किया जाए, ये सबसे बड़ा मेरा निवेदन है। और एक सबसे बड़ी बात है जो मैंने MIA का बीच में नाम लिया, मत्स्य औद्योग क्षेत्र हमारा पहला अलवर जिले का औद्योगिक क्षेत्र है। लगभग 400 छोटी बड़ी मार्बल की चिप्स की फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, कोई जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहा। हमारे जनप्रतिनिधियों को क्या सांप सूंघ गया है कि इस संबंध में उद्योगपतियों को उद्योग महासंघ वालों को बुलाएं, बैठाएं और कृषि उपज मंडी वालों को बैठाएं, अलवर के विकास के लिए क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। हमारे RSS के लोगों को जो बैन हटाया केंद्र सरकार ने 58 साल बाद, जो RSS के लोग स्वयं सेवा करते हैं, फिर कहूँगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक देसी घी है। अब हरेक जानवर को नहीं पलता तो उनका दुर्भाग्य है, लेकिन देसी घी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है, देशभक्ति के नाते से वो काम करते हैं। इन्हीं शब्दों का विराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।